वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद साइड में दिया हुआ बेल बटन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक अपकमिंग एडवेंचर टूरर बाइक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस वीडियो में KTM की एडवेंचर सीरीज में आने वाली बाइक जो कि इंडिया में लॉन्च करी जा सकती है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लाया हूँ। एक प्रेजेंटेशन लीक हुई है ब्रांड की तरफ से जिसमें 490 एडवेंचर को दिखाया गया है और वो आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। और इस प्रेजेंटेशन से ये भी पता चलता है कि एडवेंचर टूरर इंडिया में 2021 तक लॉन्च हो सकती है। ये 500 सीसी की कैटेगरी में आने वाली बाइक बजाज की चाकन प्लांट में मैन्युफैक्चर करी जाएगी जो कि पुणे में है। और KTM से ये भी एक्सपेक्टेड है कि वो 500 सीसी कैटेगरी में और भी बाइक्स को इंडिया में लॉन्च करेगी और इनमें शामिल होगी 490 एडवेंचर, एक सुपर स्पोर्ट RC मोटरसाइकिल, एक स्ट्रीट फाइटर अंडर ड्यूक सीरीज, एक सुपर मोटो और एक डुअल पर्पज मोटरसाइकिल। डिज़ाइन की बात करूँ तो एक्सपेक्टेड है कि 490 एडवेंचर टूरर भी सेम डिज़ाइन के साथ आएगी जैसे कि उसके सिबलिंग 390 एडवेंचर में देखने को मिलता है, पर इसको एक बड़ा सा अंडरलाइन फ्रेम मिलेगा और इसमें आपको 490 सीसी का पैरेलल ट्विन सिलेंडर लिक्विड कूल्ड 8 वॉल्व DOHC इंजन मिलेगा जो कि करीब 60-70 PS की पीक पावर जनरेट करेगा और इसके साथ आपको 6-speed मैनुअल गेयरबॉक्स स्लिपर क्लच के साथ मिलेगा। ये इंजन BS6 कंप्लाइंट भी रहेगा। KTM इसमें आपको डिफरेंट राइडिंग मोड्स भी ऑफर कर सकता है और स्विचेबल ABS भी। फीचर्स की बात करूँ तो इसमें आपको काफ़ी प्रीमियम फीचर्स देखने को मिलेंगे जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, फुली डिजिटल कलर TFT डिस्प्ले जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी ऑप्शन मिलेगा। KTM इसमें आपको लॉन्गर व्हील बेस दे सकता है ताकि जो लॉन्गर फ्रेम उसमें फिट करने वाला है उसको अकोमोडेट करने के लिए। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये बाइक हमारी मार्केट में क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट बन सकती है। KTM काफ़ी समय से इंडिया में अपना इंटरेस्ट शो कर रही है मिड सेगमेंट बाइक्स में जो कि इस वक्त कावासाकी ने अभी पकड़ बनाई रखी है। KTM को इस बाइक को इंडिया में लॉन्च करना होगा अगर एडवेंचर बाइक्स में कुछ शेयर हासिल करना चाहती हैं। पहले भी हीरो एक्सपल्स और रॉयल एनफील्ड हिमालयन ने भी कोशिश की थी कि सेगमेंट में कुछ मार्केट शेयर हासिल किया जाए पर वैसा नहीं कर पाई। तो ये थी मेरी तरफ से KTM की 490 एडवेंचर बाइक पर कुछ इन्फॉर्मेशन। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।